हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 11th क्लास का है, 11th क्लास CBSE बोर्ड। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है, एक ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उनके अंदर एक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं कि एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटीज़ जहाँ पर पैसा या फाइनेंशियल नेचर में, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर वो रिकॉर्ड हो, यानी उसमें पैसा आता हो ट्रांजैक्शन में, तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। और जिसमें पैसा ना आता हो उसे हम नॉन फाइनेंशियल या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वाले ट्रांजेक्शन को हम कभी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। उसका सीधा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे कोई वर्क ऑर्डर आता है या कोई परचेज ऑर्डर आता है तो वो कंपनी उसे रिकॉर्ड नहीं करती है जब तक कि इनवाइस जनरेट ना की जाए। मतलब जब तक कि सेल या परचेज अकर नहीं होती है तब तक हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आप अपने घर में खाना खाते हैं, आपके घर में आपकी मॉम आपके लिए खाना बनाती हैं सबके लिए, क्या उसके लिए कोई बिल तो जनरेट होता नहीं है। तो वहाँ पर वेलफेयर में काम किया जाता है और उसके बदले अगर कुछ पैसा नहीं दिया जाता किसी को तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है और उसे हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। लेकिन अगर वही हम होटल में खाना खाते हैं और बिल पे करते हैं तो होटल क्या करता है, वो सारे बिल्स को रिकॉर्ड करता है और इसे फाइनेंशियल नेचर में रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। ओके, अब ये एक्टिविटी अगर फाइनेंशियल नेचर में है तो हमें इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या, उस किस प्रोसेस में उसको रिकॉर्ड करें, किस रूल के तहत रिकॉर्ड करना है, ये सिस्टमैटिक हम आपको सिखाएंगे, जिसको हम बुक कीपिंग भी कहते हैं। बुक कीपिंग में सबसे पहली चीज़ आती है जिसका नाम है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री कैसे रिकॉर्ड होती हैं, जनरल एंट्री कैसे की जाती हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रोसेस है लोगों के लिए। लोग बड़े बड़ी क्लासों में चले जाते हैं, लोग बीकॉम एमकॉम कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं, उन्हें जनरल एंट्री नहीं आती हैं क्योंकि उन्होंने बेसिक को ठीक से समझा नहीं होता है। लेकिन आज हम आपको फ्रेंड्स इतना बढ़िया बताएंगे, इतनी बढ़िया तरीके से समझाएंगे कि ज़िंदगी भर आप जनरल एंट्री कभी गलती नहीं करेंगे, कभी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में आपसे गलती नहीं होगी। अगर आपने हमारा ये लेक्चर सुन लिया है तो कभी भी आप जनरल एंट्री रिकॉर्ड करने में गलती नहीं करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं अब आपको आगे बता रहा हूँ जनरल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं। जनरल एंट्री के तीन स्तंभ हैं और उन तीन स्तंभ में पहला स्तंभ आता है, पहली चीज़ आपको जानना है जनरल एंट्री करते समय रियल अकाउंट क्या होता है। पहली चीज़ अगर आप जानते हैं उसको कहते हैं रियल अकाउंट, दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट और तीसरा होता है उसे कहते हैं पर्सनल अकाउंट। ये तीन ऐसे स्तंभ हैं अकाउंट के, जिसको इन तीनों के बारे में जानकारी है या जानकारी मैं अभी अभी आपसे बात कर रहा हूँ आपको नाम रट जाएंगे। पहला रियल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट, तीसरा पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो असेट्स होते हैं, असेट्स मतलब संपत्तियाँ जिनको हिंदी में कहते हैं। संपत्ति जैसे कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो उस बिजनेस में उसे बेचते नहीं हैं, उसे हम यूज़ करते हैं। सपोज़ हम अपना फर्नीचर यूज़ करते हैं, सपोज़ हम अपना कंप्यूटर यूज़ करते हैं किसी बिजनेस में, सपोज़ हम जो है कोई व्हीकल अपने आने जाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो सारे हमारे बिज़नेस में यूज़ होते हैं, उन्हें उन पर ट्रेड नहीं करते हैं, तो हमारी वो असेट्स कहलाती हैं। लेकिन अगर मैं उन्हें बेचने लगूँ, उनको डील करने लगूँ, सपोज़ मेरे ऑफिस में जो फर्नीचर लगा वो तो मेरी असेट्स है, लेकिन अगर मैं फर्नीचर बेचता हूँ, नया फर्नीचर लेके आता हूँ, नया फर्नीचर बेच देता हूँ, तो मेरी वो गुड्स है, वो हमारी असेट्स नहीं है, राइट। तो इस तरह से आपको आगे हम अच्छे से समझाएंगे कि असेट्स और गुड्स में क्या अंतर है। पहली बात तो असेट्स वो हैं जो लॉन्ग टर्म बिजनेस में यूज़ हो जाए,
आज अगर हमारे पास कोई फर्नीचर है तो अगले साल भी वो उस पर हम डेप्रिसिएशन काटते रहेंगे और हर साल उसे यूज़ करते रहेंगे जब तक उसकी लाइफ है, ओके। तो उसे हम रियल अकाउंट कहेंगे, ऑल असेट्स आर कॉल्ड रियल अकाउंट, ओके। अब रियल अकाउंट आप अगर आप समझ गए हों तो मैं अब दूसरा आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट की पहचान ये होती है कि इस अकाउंट के अंतर्गत केवल इनकम और एक्सपेंसेस ही आते हैं, यानी कि अगर हम किसी से मुझे कोई इनकम मिलती है हमारी कंपनी को, तो जैसे आपको डिस्काउंट मिला तो आपकी इनकम, आपने किसी को डिस्काउंट दिया सेल करते समय या परचेज करते समय, तो क्या हुआ, परचेज करते समय आपने डिस्काउंट रिसीव किया तो आपकी इनकम हो गई। अगर आपने सेल करते समय किसी को डिस्काउंट दिया तो आपके आपके लिए खर्चा हो गया, लॉस हो गया, है ना। तो इनसे पहचान करते हैं, अगर कोई खर्चा है तो आपके लिए एक्सपेंस है, यानी आपने कुछ खर्च कर दिया, आपने किसी को बियर किया, कोई चीज़ दी तो आपके लिए एक्सपेंस है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो आपके ऑफिस का खर्चा है तो वो एक्सपेंस हो जाएगा। अगर आपने आपको कमीशन मिला किसी से तो आपकी इनकम हो गई, आपको डिस्काउंट मिला तो आपकी इनकम हो गई। तो इसकी पहचान है एक्सपेंसेस और इनकम अगर कोई भी है तो वो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में अगर इनकम है तो उसे क्रेडिट कर दीजिए। क्रेडिट कर दीजिए मतलब अगर इनकम है तो क्रेडिट करिए और एक्सपेंसेस हैं तो उसे डेबिट करिए, सीधी सी बात है। अगर कोई भी खर्चा है, जैसे सैलरी आप अपने एम्प्लॉइज़ को पे करते हैं तो सैलरी हमेशा ऑलवेज भी डेबिट, डेप्रिसिएशन आपके आपकी असेट्स डिप्रिशिएट हो गई है तो आप हमेशा उसे डेबिट करिए। मींस एक्सपेंसेस हैं तो डेबिट, इनकम है तो क्रेडिट, इंटरेस्ट मिला है तो क्रेडिट, इंटरेस्ट आपने दिया है खर्चा है मतलब डेबिट, ओके। तो ये तो हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट, सीधी सी बात है। अब तीसरी बात आई है जिसको कहते हैं पर्सनल अकाउंट, है ना। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि पर्सन किसी व्यक्ति के नाम से कोई खाता बनाते हैं, जैसे राम अकाउंट, दिनेश अकाउंट, सुरेश अकाउंट, महेश अकाउंट, राम एंड कंपनी अकाउंट, सुरेश इंटरप्राइजेज अकाउंट, राम इंटरप्राइजेज अकाउंट, व्हाटएवर, जो भी किसी के नाम से खाता बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल अकाउंट की पहचान हो गई किसी व्यक्ति के नाम से खाता बना हुआ है, किसी व्यक्ति का नाम आएगा उसमें, ठीक है। तो इसके ये तो पहचान हो गई, लेकिन अगर हमें एंट्री करनी है, हम उसमें एंट्री करना चाहते हैं, पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है, कैसे करेंगे। सपोज़ राम को आपने पैसा दिया, आपने राम को 1,000 रुपये दिए, तो पैसा गया, कैश गया और राम को मिला, तो जिसको दे रहे हैं उसको क्रेडिट कर दीजिए, सीधी सी बात है। आपके पास से क्या करना है, पैसा जा रहा है तो पैसा जाएगा क्रेडिट, यानी कैश आपकी असेट्स हो गई, और राम क्या हो जाएगा, डेबिट। तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके। अगर अब राम ने आपको पैसा दिया, पर्सनल अकाउंट हमेशा या तो क्रेडिटर्स होंगे या डेटर्स होंगे, या तो वो कस्टमर्स होंगे या कि हमारे वो लेनदार होंगे, या क्रेडिटर्स होंगे या डेटर्स होंगे, दो ही हो सकते हैं, या तो डेटर्स होंगे या तो क्रेडिटर्स होंगे। अगर वो डेटर्स हैं तो मुझे पैसा देंगे, तो वो अगर पैसा दे रहे हैं मुझे तो मैं कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा और पार्टी को क्रेडिट कर दूंगा, सीधी सी बात। अगर मेरे क्रेडिटर्स हैं यानी जिनको मुझे पैसा देना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पैसा दूंगा ना तो पार्टी को डेबिट करूंगा, सीधी सी बात है। मैं क्या करूंगा, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। तो इस तरह से आप इस पर्सनल अकाउंट की एंट्री कर सकते हैं। धन्यवाद।